राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 12 महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करेंगे जो विधि जगत से जुड़े हुए हर एक बच्चे को, विद्यार्थियों को, अधिवक्ताओं को, अन्य व्यक्तियों जानना बेहद जरूरी है। इन सारे शब्दों को मैं एक साथ इसलिए लाया हूं जिससे इनमें तुलनात्मक रूप से आपको अंतर समझ में आ जाए। बहुत सारे तो ऐसे विधि विद्यार्थी हैं या उससे अगर प्रमोशन हो गया यानी अधिवक्ता भी अगर मैं कह लूं तो कहना गलत नहीं है कि इन सारे शब्दों में तुलनात्मक रूप से अंतर नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मेंस में प्रश्न पूछा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। ये शब्द कहाँ डिफाइन किए गए हैं, कहाँ परिभाषित किए गए हैं, इनकी किस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, ये सारी बातें मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। हाँ, एक बात बता दें आपको कि हमारे यहाँ यूपी पीसीएसजे या जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी पीसीएसजे के सिलेबस की, एपीओ की और हायर जुडिशरी सर्विस यानी एचजेएस की तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से कराई जाती है। जिस किसी बच्चे को पीसीएसजे या एपीओ या एचजेएस की क्लास ज्वाइन करना है वो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। आइए कानून के 12 महत्वपूर्ण शब्द जाने क्या है। सबसे पहला जोड़ा मैंने बनाया यहाँ पे, पहला है संज्ञेय अपराध, दूसरा है असंज्ञेय अपराध, दूसरा है वो उसी का दूसरा, और दूसरे नंबर पे मैंने रखा है जमानती अपराध, अजमानती अपराध, तीसरा है समन मामला, वारंट मामला, चौथा है समनीय अपराध और असमनीय अपराध, पांचवा है समन और वारंट, छठा है जमानती वारंट, अजमानती वारंट। इंग्लिश में इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वैलेबल ऑफेंस, नॉन वैलेबल ऑफेंस, समन केस, वारंट केस, कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, समन वारंट जो है वैलेबल वारंट, नॉन वैलेबल वारंट, ठीक है, ये इसकी इंग्लिश होगी। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए सारे टर्म्स यानी जो 12 शब्द हैं अलग अलग, ये सब परिभाषित नहीं किए गए, इन सब की परिभाषा नहीं है। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 में दिया गया है। कहां पे दिया गया है? संज्ञेय अपराध की परिभाषा 2(6) में दिया गया है, छा मतलब छाता वाला, और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा 8 में दिया गया है। जमानती अपराध की परिभाषा 2(गा) में दिया गया है, अजमानते अपराध की भी परिभाषा 2(गा) में ही दिया गया है। समन मामला और वारंट मामला, समन मामला की परिभाषा धारा 2(भा) में दिया गया है, वारंट मामला की परिभाषा 2(या) में दिया गया है। समनीय अपराध असमनीय अपराध की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, बट इसका समनीय अपराध की जो सूची दी गई है वो सूची इसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 359 में दिया गया है, जो सीआरपीसी की धारा 320 में हुआ करती थी। समन वारंट कोई परिभाषा नहीं दिया गया, ध्यान दीजिएगा इसकी कोई परिभाषा नहीं दिया गया है। हाँ, समन के बारे में कुछ आए प्रोविजन से जहां डिटेल में बताया गया है, और जमानती वारंट अजमानती वारंट इसको भी डिफाइन नहीं किया गया। तो ये दो यानी 6वां नंबर, 5वां नंबर, 4वां नंबर, इन तीनों की परिभाषा एक्ट में नहीं दी गई है। बाकी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, शुरू के 3 की परिभाषा एक्ट में दी गई है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। इसको अगर आपको खोजना है, इसके बारे में जानना है, तो बीएनएस में मत ढूंढिएगा, जो पुरानी आईपीसी है उसकी जगह बीएनएस हो गया, वहां मत ढूंढिएगा क्योंकि वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। ये कहां मिलेगा इसके बारे में जानकारी? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या पुरानी एक्ट, उसकी जगह पे आपके पास है दंड प्रक्रिया संहिता जिसको सीआरपीसी कहते हैं, तो वहां आपको मिलेगा। डेफिनेशन कहां है मैंने बता दिया, अब मैं इस पे चलता हूं। ये है एक एक करके इसको आपको समझना है, ठीक है। क्या संज्ञेय अपराध? देखिए संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध
का जो क्लासिफिकेशन है, ये जो वर्गीकरण है, ये पुलिस अधिकारी के लिए प्रमुख तौर से किया गया है, न्यायालय के लिए नहीं या मजिस्ट्रेट के लिए नहीं। क्योंकि मजिस्ट्रेट या न्यायालय के लिए सारे अपराध संज्ञेय ही होते हैं, सब में उनको कार्रवाई करनी ही होती है। पुलिस के लिए संज्ञेय असंज्ञेय बनाया गया है, इसका मतलब है कि संज्ञेय अपराध अगर हुआ, यानी भारत में जितने भी कानून है, दांडिक कानून, चाहे वो बीएनएस हो या कोई स्पेशल लॉ हो, चाहे वो आपका एससी/एसटी एक्ट हो, पॉक्सो हो, डीपी एक्ट हो, पीसी एक्ट हो, जो है आपका पीएमएलए हो, या जो है एनडीपीएस एक्ट, कोई भी कानून, ठीक है, सारे अपराधों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध, इसका अपना एक पर्पज है। जमानती अजमानती अपराध, ये भी सारे अपराधों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसका भी अपना एक पर्पज है। सारे अपराधों को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, समन मामला, वारंट मामला, इसका भी अपना पर्पज है। यानी जितने भी अपराध पूरे भारत में हैं, अलग अलग प्रयोजन के लिए उनको दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे जितने भी व्यक्ति हैं धरती पे, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? या तो वो 5 फुट से कम है, या 5 फुट या उससे ज्यादा। फिर उनका दूसरा वर्गीकरण कर सकते हो, या तो वो गोरे हैं या तो वो सांवले हैं। उनका तीसरा वर्गीकरण कर सकते हो आप, या तो वो साक्षर हैं या तो वो निरक्षर हैं। उनका चौथा वर्गीकरण आप कर सकते हो कि या तो वो रोजगार हैं या तो वो बेरोजगार हैं। उनका पांचवा वर्गीकरण कर सकते हो, या तो वो प्राइवेट जॉब में है या वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो इस तरह से अलग अलग सेंस में वो वर्गीकरण है। उसी तरह से यहां भी जितने भी अपराध भारत में हैं, उन सबको इस दो पार्ट में, और बस इतने इतने पार्ट में अपराधों को डिवाइड किया गया है। इस दो पार्ट में, यानी या तो वो संज्ञेय अपराध होगा या असंज्ञेय होगा, जमानतीय अपराध होगा या तो अजमानती, जितने भी अपराध हैं, या तो वो जमानती यानी वैलेबल ऑफेंस होंगे या नॉन वैलेबल होंगे, या तो वो कॉग्निजेबल होंगे या नॉन कॉग्निजेबल होंगे, या समन मामला होगा या वारंट मामला होगा, या समनीय अपराध होगा या असमनीय अपराध होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर, क्या जो संज्ञेय अपराध होगा वही जमानती होगा, वही समन मामला होगा, वही समनीय होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचिएगा कि सर ने एक ही क्रम में लिखा है तो जो संज्ञेय अपराध होगा वही ये सब होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत चीजें मैच जरूर खाएंगी। संज्ञेय अपराध पे मैं एक करके समझाता हूँ कि संज्ञेय अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराध से जो गंभीर अपराध, जिन अपराधों को गंभीर प्रकृति की श्रेणी में रखा गया है, जिन अपराधों के होने से समाज प्रभावित होता है, लोक व्यवस्था प्रभावित हो जाती है, स्थिति जो है अव्यवस्थित हो जाती है, शांति भंग हो जाती है, ऐसे अपराधों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। उसमें पुलिस अधिकारी तत्काल एक्शन लेने की उसको पावर दी गई है कि तुरंत वो संज्ञेय अपराध अगर कमिट हुआ है तो तुरंत FIR लॉन्च करने की उसकी पावर है, ड्यूटी नहीं है। वो उसका जो है, ये आप नहीं कर सकते कि कोर्ट से परमिशन मिलेगा तब FIR करेगी, नहीं, उसकी खुद की पावर की FIR तुरंत लॉन्च करे, तुरंत उसमें विदाउट वारंट, विदाउट आदेश मजिस्ट्रेट के अरेस्ट करने की पावर है और इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, कोई परमिशन कोर्ट से नहीं लेना है। ये तीन महत्वपूर्ण पावर पुलिस को मिलती है संज्ञेय अपराध में, ध्यान रखिए, क्या क्या? FIR लॉन्च करने की, विदाउट वारंट विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट करने की, और तीसरी पावर विदाउट मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन करने की पावर, यानी बिना परमिशन के, कोई परमिशन नहीं लेने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, FIR लॉन्च कर सकती है। ये तीन पावर महत्वपूर्ण पुलिस को मिल जाते हैं जो संज्ञेय अपराध होते हैं। अब संज्ञेय अपराध में क्या आएगा? जितना लूट का अपराध है, चोरी का अपराध है, डकैती का अपराध है, रेप का अपराध है, मर्डर का अपराध है, ये सब कैसे अपराध है? ये सब संज्ञेय अपराध है। अब मारपीट, सिंपल मारपीट है, थप्पड़ मार दिया, तो ये सब संज्ञेय अपराध नहीं है। इतना तो व्यवहार में प्रचलन में बहुत होता है, रोज तो व्यक्ति मार खाते रहता है, लेकिन राड वगैरह से मार दिया, काट पीट दिया, तोड़ फोड़ दिया, सर फाड़ दिया, तो अब तो संज्ञेय अपराध हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तुरंत पुलिस एक्शन लेगी। असंज्ञेय अपराध जो है, असंज्ञेय अपराध ये गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं होते, ये तुच्छ प्रकृति के, छोटे प्रकृति के अपराध होते हैं। इसमें पुलिस ना तो FIR लॉन्च करेगी, इन्हें इसमें FIR होते ही नहीं, समझेगा, इसमें FIR नहीं होता। क्या होता है? NCR दर्ज होता है इसमें,
और अगर इसमें विवेचना पुलिस अपने मन से नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपने मन से नहीं कर सकती, आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। जब कोर्ट परमिट करेगा तब पुलिस विवेचना करेगी, और असंज्ञेय अपराध में पुलिस अपने मन से अरेस्ट भी नहीं कर सकती, अपने विवेक से अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कोर्ट वारंट इशू नहीं करेगा या ऑर्डर जारी नहीं करेगा। यानी कोर्ट के आदेश से या वारंट से ही अरेस्ट होगा या इन्वेस्टिगेशन होगा, और FIR को कोर्ट के आदेश से भी नहीं लॉज होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस असंज्ञेय अपराध में FIR लॉज करने का प्रावधान नहीं है। बट एक बात मैं थोड़ी सी आपको समझा दूं, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हो जो ये हल्की बातों को समझ रहे हो बट कुछ गहरी बातों को जानना चाह रहे हो, कि अगर असंज्ञेय अपराध के साथ साथ कुछ संज्ञेय अपराध भी कमिट हो गए हैं, जैसे किसी को आपने थप्पड़ भी मारा है और उसकी संपत्ति छीन भी ली है, ठीक है, तब वो संज्ञेय भी अपराध हो गया, असंज्ञेय भी हो गया, अब FIR इसमें लॉज हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यानी संज्ञेय असंज्ञेय दोनों मिल गए तो FIR लॉज हो जाएगी, लेकिन केवल असंज्ञेय अपराध की सूचना आप थाने पे देते हैं तो इसकी FIR लॉज नहीं होगी, केवल NCR दर्ज होगा, ठीक। और इसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई भी कानूनी जानकारी लेना है तो भी मैं नंबर अपना दे रखा हूँ, ना केवल आप क्लास ज्वाइन करने के लिए किसी JPHHS की तैयारी करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बल्कि किसी भी लीगल एडवाइस के लिए, चाहे वो जो है क्रिमिनल मैटर हो, चाहे सिविल मैटर हो, रेवेन्यू मैटर हो, आप उसके लिए भी एडवाइस के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एडवाइस की फीस आपको अलग से जमा करनी होगी, और तैयारी करेंगे तो उसकी तो फीस जमा ही करना है। चलिए, अब संज्ञेय अपराध हमें पता कैसे चलेगा, ये तो आप समझिए, संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध क्या, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं, असंज्ञेय अपराध किसे कहेंगे, कौन सा अपराध संज्ञेय है, मारपीट का अपराध संज्ञेय है कि नहीं है, गाली गलौज का है कि नहीं है, लूट का है, डकैती का है, रेप का है, छेड़खानी का है कि नहीं है, कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय है। तो ये डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची की पहली लिस्ट का जो चौथा कालम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची की पहली लिस्ट जिसमें BNS के अपराधों का वर्गीकरण, क्योंकि दो लिस्ट है, BNS के अपराधों का वर्गीकरण और BNS से भिन्न अपराधों का वर्गीकरण, तो पहली लिस्ट का जो चौथा कालम है, छह कालम है, चौथे कालम में बताया गया है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा असंज्ञेय है, और जो BNS के अपराध नहीं है, अदर लॉज के अपराध है, उनका उसके दूसरे कॉलम में, दूसरी लिस्ट में बताया गया, दूसरी लिस्ट में। अगर कोई स्पेशल लॉ में कोई प्रक्रिया वहां बता दी गई कि ये संज्ञेय या असंज्ञेय है, तब तो पूरा संज्ञेय या असंज्ञेय कहलाएगा। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8 कहती है कि DPI के सारे मुकदमे संज्ञेय कहलाएंगे तो संज्ञेय, आइए जो है SC/ST के सारे मुकदमे संज्ञेय है तो संज्ञेय है, अब वहां पर BNS की प्रक्रिया नहीं लागू होगी। अब आते हैं जमानती अपराध, तो जमानती अपराध आज ये दोनों, इन दोनों का वर्गीकरण आरोपी अगर अरेस्ट हुआ है तो उसे छोड़ने के संदर्भ में है, उसे जमानत देने के संदर्भ में है। जो अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं, यानी खासतौर से आप संज्ञेय कह सकते हैं, उनको संज्ञेय नहीं, गंभीर प्रकृति के नहीं है, छोटे अपराध हैं, उनको बेलेबल बना दिया गया, जमानतीय बना दिया गया है कि जब कभी किसी व्यक्ति पे ऐसे अपराधों का आरोप लगेगा जो गंभीर नहीं है, बेलेबल हैं, जमानतीय हैं, तो जैसे वो जमानत का प्रार्थना पत्र कोर्ट में देगा, तुरंत कोर्ट उसे जमानत पे छोड़ देगी, बस आपको कोर्ट की शर्तों का पालन करना पड़ेगा, जो बंद पत्र या निजी मुचल का आपसे या गारंटर मांगा जाएगा वो आपको देना। तो जमानती अपराध का तात्पर्य है ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार होता है, यानी बेल एज अ राइट होता है, इसी को साधिकार जमानत भी कहा जाता है। तो जमानती अपराध के गंभीर प्रकृति के अपराध नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अजमानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसमें जमानत पर छूटने का अधिकार आरोपी को नहीं होता। अगर आरोपी अरेस्ट हो गया तो उसे बेल एज अ राइट नहीं होता है कि वो जमानत देने के लिए अदालत के समक्ष अगर तैयार हो तो अदालत उसे छोड़ दे, ऐसा उसका कोई अधिकार नहीं है। ये कोर्ट का विवेकाधिकार है कि जमानत पर उसे छोड़े या ना छोड़े। बट सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसों में कहा है कि बेल सामान्य नियम है, जेल अपवाद है, यानी सामान्यतया अजमानती अपराध में भी बेल को मंजूर कर लिया जाए, ठीक। तो अजमानती अपराध
और जमानती अपराध हमें कहां से पता चलेगा, कौन से अपराध वैलेबल है कौन से नॉन वैलेबल है, ये भी दंड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची की पहली लिस्ट के पांचवें कालम में ये बताया गया है कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा जमानती है, और इसकी जो परिभाषा दी गई है वो दोगा पे दी गई है, ठीक है, उसी में एक ही में दोनों की परिभाषा दे दी गई है। तो जमानती अपराध में बेल एजा राइट होता है, जमानती अपराध में बेल एजा राइट नहीं होता है, यानी कोर्ट जमानत पे छोड़े या ना छोड़े उसका विवेकाधिकार होता है। बट ये दोनों के अपवाद है, कुछ जमानती अपराध में भी बेल एजा राइट नहीं होता है और कुछ कंडीशन में अजमानती अपराध में भी बेल एजा राइट होता है, इसी में डिफॉल्ट बेल भी पढ़ा जाता है। डिफॉल्ट बेल क्या होता है, अब ये सब तो जब आप क्लास करेंगे तो वहां डिटेल में आपको समझाया जाएगा। समन मामला, वारंट मामला, अब ये सारे अपराधों को, जितने भी अपराध हैं भारत में, सबको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, समन मामला वारंट मामला। इसका बांटने का प्रयोजन क्या है, इसके बांटने का प्रयोजन, इस भाग दो भागों में बांटने का उद्देश्य विचारण करना है, यानी ट्रायल के प्रयोजन के लिए दो पार्टों में अपराधों को डिवाइड किया गया। ऐसे अपराध जिनके लिए सजा मैक्सिमम 2 साल या उससे कम या केवल जुर्माने से दंडनीय हो उनको समन मामला कहा गया है, और जिन अपराधों में सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक का कारावास है, एग्जैक्ट 2 है तो समन मामला, 2 से थोड़ा सा अबव हो गया तो वो वारंट मामला कहलाता है। ध्यान रखिएगा इसकी डिफिनेशन धारा 2 या में दिया गया है, समन मामला की परिभाषा 2 भाग में दिया गया है। यहां लिखा जो वारंट, जो समन मामला की परिभाषा में जो समन वारंट मामला नहीं, वो सब समन मामला है। तो वारंट मामला क्या है, ऐसे अपराध जिनका सजा 2 वर्ष या उससे अधिक, 2 वर्ष से अधिक, सॉरी 2 वर्ष से अधिक, मोर देन 2 इयर्स, जिसमें डेथ और LI भी इंक्लूड है। इसका उद्देश्य क्या है बांटने का, ट्रायल, क्योंकि जो ट्रायल की प्रोसीडिंग है BNSS में चैप्टर 21 और 20 में वारंट मामलों के ट्रायल की प्रक्रिया बताई गई है, और 20 में वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया बताई गई है, और 21 में समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया बताई गई, चैप्टर नंबर 20 और 21, 20 में वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया और 21 में समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया, यानी वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया थोड़ी विस्तृत होती है, और समन मामले जितने, यानी 2 साल या उससे कम के कारावास दंडनीय अपराधों का अगर आरोप लगा तो इनके विचारण की जो प्रक्रिया अदालत में होती है वो थोड़ी संक्षिप्त होती है, जल्दी जल्दी निस्तारित कर दिया जाता है। तो ये विचारण की प्रक्रिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब ये तो मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, समन मामले और वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। तो अब ये सब तो डिटेल में आप क्लास करेंगे तो वहां आपको विस्तृत समझाया जाएगा। समनीय अपराध, आजमनीय अपराध, इस दोनों का वर्गीकरण करने का उद्देश्य क्या है, सारे अपराधों का, इसका उद्देश्य समझौता कराना है। क्या है समझौता कराना, जो समनीय अपराध है ये धारा 359 BNSS में दिया गया है, उसकी लिस्ट दी गई है, BNS के अपराधों की एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में अगर अपराध आर है, यानी जो अपराध का आरोप आप पे लगा है या जो अपराध आपके साथ हुआ है, अगर वो धारा 359 BNSS के अंतर्गत आ रहा है तो उसमें पार्टियां दोनों आपस में, 2 लिस्ट वहां पे है, पहली लिस्ट के अपराधों में दोनों पार्टियां आपस में किसी भी स्टेज पे समझौता कर सकती हैं, केस खत्म हो जाएगा, कभी भी समझौता कर सकती हैं। और जो दूसरी लिस्ट के अपराध है वो थोड़े गंभीर है, उसमें कोर्ट की अनुमति भी चाहिए, कोर्ट की अनुमति से समझौता कर सकते हैं, बात समझा गया। और जो लिस्ट में नहीं है उसमें समझौता नहीं हो सकता, वो असमनीय अपराध है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, वो समझौता योग्य नहीं है, और समझौता का एक व्यवहारिक प्रचलन कोर्ट में अलग से चलता है, गवाह को हॉस्टाइल कर दो, पार्टी अपने बयान बदल दे, वो तो सब एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है, वो सब इनलीगल है, पैसा लेकर के थाने से जो है FIR लगवा दो, वो सब एक अलग है, ठीक। लीगली समझौता का यही तरीका है 359। तो समनीय अपराध में पार्टी दोनों कभी भी समझौता कर सकते हैं, यहां तक कन्विक्शन होने के बाद भी समझौता हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद समन मामला, वारंट मामला, ये क्या है, देखिए समन क्या है, समन एक आदेश का है, समन क्या होता है, एक आदेश का है जो किसी व्यक्ति को
न्यायालय के समक्ष स्वयं हाजिर होने के लिए जारी किया जाता है या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए जारी किया जाता है। यानी एक तरह से कह सकते ना, समन एक बुलावा पत्र है, समन एक बुलावा पत्र जारी है, बट ये पत्र नहीं है, समन है, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे ना तो अपराध मान लिया जाता है, और पत्र किसी को भेजा गया ना आए तो कोई बात ही नहीं है। तो पत्र और समन में अंतर है, पत्र का कोई प्रभाव नहीं करना आने का, बट समन जारी हुआ नहीं आओगे तो फिर ये अपराध हो जाएगा। तो समन एक आदेशिका है जो किसी व्यक्ति को अदालत के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने के लिए, चाहे कुछ पूछताछ करना हो या अन्यथा हाजिर होने के लिए जारी किया जाता है, या कोई दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए भी जारी किया। तो सुनते ना, समन आ गया है, तो समन आ गया, देखो पहाड़ थोड़ा टूट पड़ा है, यानी उस अथॉरिटी ने हमको बुलाया है, उसका एक डेट और स्थान उसमें लिखा होगा, और या किस लिए बुलाया गया है ये भी हो सकता है उसमें लिखा होगा कि इस मामले के लिए आपको बुलाया गया है, तो आपको जाना पड़ेगा, वहां पे नहीं जाओगे तो ये अपराध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आप मुकदमा चलाया जा सकता है। और वारंट क्या है? वारंट अपने आप में कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वारंट जो होता है ये कई चीजें, ये गिरफ्तारी का भी वारंट जारी हो सकता है, सजा दिया गया उसके निष्पादन का वारंट हो सकता है, संपत्ति को कुर्क कराना है उसके लिए वारंट हो सकता है, उद्घोषणा जारी करवाना है उसके लिए वारंट हो सकता है। तो वारंट एक कॉमन नाम है जिसके आगे कोई शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका कोई अपने आप ही मतलब नहीं। जैसे आगे जोड़ना पड़ेगा गिरफ्तारी वारंट, तलाशी करवाना, तो तलाशी के मतलब वारंट एक तरह से ये अथॉरिटी के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, तो वो प्राधिकृत करना ही वारंट कहलाते, कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। क्या करने के लिए प्राधिकृत किया? तलाशी लेना है, तो तलाशी वारंट जारी कर दिया, यानी तलाशी लेने के लिए कोर्ट ने आपको प्राधिकृत कर दिया, ऑथराइज कर दिया, तो उसी को बोलते हैं वारंट। पकड़ने के लिए आपको प्राधिकृत कर दिया तो गिरफ्तारी वारंट हो गया, ठीक। उसके बाद है, ये दोनों डिफाइन नहीं है, जमानती वारंट, अजमानती वारंट। अगर ये जमानती वारंट का मतलब है कि गिरफ्तारी करने के लिए वारंट कोर्ट ने जारी किया है, अजमानती वारंट का मतलब है ये भी गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। यानी गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट जब वारंट जारी करती है तो वो वारंट दो प्रकार का होता है, एक वैलेबल एक नॉन वैलेबल। वैलेबल नॉन वैलेबल दोनों की डिफिनीशन धारा 73 में मिलेगा। कहां मिलेगा? वैलेबल वारंट, नॉन वैलेबल यानी वारंट को जो वैलेबल बनाया जाता है वो धारा 73 होगा, पुरानी धारा 71 थी सीआरपी की। वैलेबल वारंट यानी जमानते वारंट का मतलब है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने जाएगी तो उसको वहां पावर दिया गया है कि वो आपको वहीं पे जमानत पे छोड़ सके, पकड़ के कोर्ट में लाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उस शर्त का पालन आप करने के लिए तैयार हैं जो पुलिस वहां आपसे बॉन्ड भरवा रही है। बट पुलिस वाले ऐसा बहुत कम करते हैं। अजमानती वारंट का मतलब है कि अगर पुलिस ने आपको वारंट पे अरेस्ट किया तो कोर्ट में पेश ही करेगी हर हालत में, बीच में उसे छोड़ने की पावर नहीं होती है, उसी को अजमानती वारंट कहते हैं, इसी को NBW कहते हैं, नॉन वैलेबल वारंट, इसको BW कहते हैं, BW जारी हो गया है, NBW जारी हो गया, ये सब व्यवहार में प्रचलन में शब्द बहुत है। तो उम्मीद है ये जो 12 टर्म्स दिए गए थे ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद भी किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई, किसी बच्चे को जो तैयारी के संदर्भ में है, तो फिर आपका कॉल करके वो जानकारी ले सकता है, लेकिन कोई लीगल जानकारी लेना है किसी टॉपिक पे तो फिर उसकी फीस जमा करनी होगी, और क्लास ज्वाइन करना है PCJ/JQS की तैयारी करना है तो फिर आप इस नंबर पे संपर्क करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी बैच ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी जो फीस होगी वो आपको जमा करना है।